वेलकम टू पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं जो कि सलमान खान स्टार फिल्म टाइगर 3 मूवी के दुबई रिव्यू के बारे में। और वहीं दोस्तों यह फिल्म दुबई में किस तरीके से धमाका मचा रही है और पब्लिक रिव्यू इस फिल्म को दुबई में कैसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ दुबई में इस फिल्म का कलेक्शन कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आज के दिन जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है दुबई के जो कि सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी जो कि एक दिन पहले ही रिलीज हो जाती है बाहर देशों में। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीपीसी ब्रेकिंग पे नए हैं और वहीं दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का जो कि दुबई में कैसे रिव्यू मिल रहे हैं इस फिल्म को, तो हमारे और आपके चैनल जीपीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, दिखते रहेगा पूरा वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस बनाई हुआ है और भाईजान की फैन फॉलोइंग देश विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, भाईजान को जो कि देश विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं लोग। हालांकि भाईजान अभी जो कि कोई से इवेंट में दुबई में गए थे और उनका जो कि क्रेज देखने को मिला था। हालांकि आप लोग बता दें कि सलमान खान की फिल्में शाहरुख खान की फिल्में दुबई में अच्छा खासा कलेक्शन करती है ओवरसीज में, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही दमदार और जोरदार होने के कारण इनको लोग बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं। आप लोगों को पता ही चले कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे धमाकेदार और सबसे बड़ी फिल्म टाइगर 3 मूवी जो कि दुबई में रिलीज हो चुकी है। और वहीं दोस्तों आप लोग बता दें कि इस फिल्म को इंडिया में यानी कि 12 नवंबर के दिन रिलीज किया जाएगा। और वहीं दोस्तों इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए है। आप लोग बताए चले कि दुबई के लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इस फिल्म को सपोर्ट दिखाया और बहुत ही जोरदार इस फिल्म का कलेक्शन भी होने वाला है। हालांकि बात कर लेते हैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रोडिक्शन के बारे में दुबई के, तो दोस्तों आज के दिन यह फिल्म रिलीज हुई है तो कल इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगा। लेकिन आप लोगों को बताया चले कि यह फिल्म अपने पहले दिन दुबई में 30-35 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। वहीं पब्लिक रिव्यू की बात करें तो पब्लिक रिव्यू भी इस फिल्म को बहुत ही फाड़ और बहुत ही जोरदार मिल रहे हैं दुबई में, और ऑडियंस बहुत ही ज्यादा इस फिल्म को पसंद भी कर रही है दुबई में। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही चले कि यह फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन तो कर ही रही है, लेकिन इस फिल्म में जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेज तब बन गया है क्योंकि इस फिल्म में आप लोगों को शाहरुख खान का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलेगा और एसआरके की दुबई में फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा है। और वहीं दोस्तों एसआरके को लोग देखना पसंद करते हैं, इसी कारण इस फिल्म को दुबई में और भी ज्यादा क्रेज और बस मिल रहा है और दुबई में और भी ज्यादा पब्लिक रिव्यू बहुत ही प्यारा और धमाकेदार मिल रहा है। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बता दिया है कि यह फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन तो करने ही वाली है। लेकिन आप लोगों को बताया चले कि टाइगर 3 मूवी का क्रेज और बस जो कि इंडिया में भी बना हुआ है और यह फिल्म इंडिया में भी अच्छा खासा कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, टाइगर 3 मूवी जो कि दुबई में क्या बम्पर ओपनिंग ले पाएगी नहीं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।